दोस्तों, आज हम इस वीडियो में होम्योपैथिक मेडिसिन कैल्केरिया फास के बारे में जानेंगे कि यह हमारे शरीर पर किस प्रकार से इफेक्टिव है। क्या जब छोटे छोटे बच्चे दस्त करते हैं, जब उसकी दांते निकलता है उस समय बच्चे बहुत काफी मात्रा में दस्त करते हैं, तो क्या वैसी स्थिति में यह काम करता है, या फिर जब हड्डी की जो जोड़ है इसमें दर्द होता है, इसका हड्डी जो है बढ़ जाता है, तो क्या वैसी स्थिति में यह काम करता है, या जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है और फिर जो रोगी की हड्डी है बिल्कुल ही टूट जाता है, तो क्या उसे जोड़ने में यह कैल्केरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन काम करता है। तो दोस्तों, कैल्केरिया फास का संपूर्ण विवरण या सिम्टम जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कैल्केरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन का कुछ लक्षण के बारे में जान लेते हैं। कैल्केरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन का जो रोगी है वह बिल्कुल ही देखने में दुबले पतले लगते हैं, साथ ही उसके शरीर में खून की कमी होता है, और जो कैल्केरिया फास का रोगी है जो उसका बाल है यह बिल्कुल ही काला काला होता है, और साथ ही जो रोगी है वह बिल्कुल ही सांवले होते हैं। तो वैसे रोगी में कैल्केरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। जब बच्चे को दांत निकलना शुरू हो उस समय की बीमारी, दांत निकलने में देरी होना या दांत निकलने के बाद उसमें पस हो जाना, सब तरह की हड्डियां की बीमारी, हड्डी टूटकर नहीं जुड़ पाना, दांत निकलने के समय अतिसार, पेट फूलना आदि रोगों में यह बहुत ही एक्टिव और इफेक्टिव मेडिसिन है, यह बहुत ही अच्छा काम करता है। या फिर किसी लंबे बीमारी के ठीक होने के बाद शरीर का जो खून है बिल्कुल ही कम हो जाता है, और उस स्थिति में शरीर में खून जब नहीं बनता है और शरीर का जो जीवनी शक्ति है बिल्कुल ही घट जाता है और शारीरिक मांसपेशियों का जो है बिल्कुल ही कमजोर हो जाना, शरीर जो है बिल्कुल ही सूखने लगना, और जो यह रीढ़ का हड्डी है बिल्कुल ही टेढ़ा पड़ जाना, और साथ में जब कमजोरी हो जाता है तो वैसी स्थिति में कैल्केरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन लेना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। कंठमाला ग्रस्त व्यक्तियों में खींचन और आक्षेप, हड्डियां जो है बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है, जो बच्चे काफी दुबले पतले होते हैं, कंकाल सा दिखते हैं, तथा उम्र के हिसाब से शरीर में मजबूती नहीं रहता है, या जिनका शरीर उम्र के अनुसार नहीं बढ़ रहा होता है, पेट या तो धसा हुआ या फिर खूब ऊंचा, जिनका शरीर के तुलना में सर जो है काफी बिल्कुल बड़ा होता है, और हाथ पैर बिल्कुल ही पतले पतले, और जो यह पसलियां है बिल्कुल ही कमजोर होती है, तो वैसे स्थिति में हम लोग कैल्केरिया होम्योपैथिक मेडिसिन उसे दे करके बिल्कुल ही स्वस्थ कर सकते हैं। या फिर हाथ पैर ठंडे रहता है और जो पाचन शक्ति है कैल्केरिया फास के रोगी का बिल्कुल ही कमजोर होता है, तो वैसे स्थिति में भी हम कैल्केरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन उसे दे करके बिल्कुल ही उसे ठीक कर सकते हैं। जहां पर हड्डियां आपस में जुड़ती हैं वहां यह दवा खास असर करता है। इसके लक्षण मौसम में जरा सा भी बदलाव होने पर बढ़ जाता है। सुनापन और रेंगने जैसा अनुभव होना इस दवा का एक खास लक्षण है। ग्रंथियां है ये भी बढ़ जाता है, और कंधे की जो ग्रंथियां है ये भी बढ़ जाता है। गर्दन तथा अन्य जगहों पर गिल्टियां जब निकलती है तो उसमें भी यह बहुत ही अच्छा काम करते हैं,
अब हम लोग दांतों से संबंधित लक्षण को देख लेते हैं। बच्चे के दांत देरी से निकालना और जल्दी खराब होकर के टूट जाना, जवान व्यक्तियों में भी दांत कमजोर मालूम पड़ना और उसमें छेद हो जाना, साथ ही जो दांत हैं बिल्कुल ही जड़ से अलग हो जाता है और पुराने दांत काफी बड़े लगते हैं, सभी तरह के दांत और हड्डियों से संबंधित बीमारियों में यह कैल्केरिया फासोमियोपैथिक मेडिसिन बहुत ही कारगर साबित होता है। वैसे रोगों को यह बिल्कुल ही ठीक कर देता है। या फिर कमजोर और दुबले पतले बच्चों में अतिसार और हैजा या फिर दूध ज्यादा सा भी जो बच्चा नहीं पचा पाता है, दूध पीते ही वह उल्टी कर देता है, लगातार दस्त होता है और जो दस्त का कलर है बिल्कुल ही हरा हरा होता है और साथ ही उसमें उजला और चिकना पदार्थ तैरते नजर आते हैं और जो दस्त है बिल्कुल ही गर्म, उसके आवाज के साथ हवा निकलना, बच्चा जो भी खाता है वही दस्त के साथ निकल आता है या फिर उल्टी के साथ निकल जाता है, यानी कि जो खाता पीता है वह बिल्कुल ही उसे वह पचा नहीं पाता है। तो वैसी स्थिति में कैल्केरिया फासोपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है। जो शरीर है बिल्कुल ही ठंडा पड़ जाता है और जो ये आंखें हैं बिल्कुल ही अंदर की तरफ चला जाता है, थस जाता है और जो रोगी है बिल्कुल ही या जो बच्चा है बिल्कुल ही मुर्दे की तरह चुपचाप निस्तेज अवस्था में पड़ा रहता है। तो वैसे स्थिति में कैल्केरिया फास होम्योपैथिक उसमें जीवन का संचार यानी कि अमृत की तरह काम करता है। तो दोस्तों हम उस स्थिति में वैसे रोगी को कैल्केरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन देकर के बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। कैल्केरिया फास का रोगी हर बार खाना खाने के समय पेट दर्द की शिकायत करता है, नाभि के आसपास दर्द होता है, सुअर की मांस खाने की उसे बहुत ही इच्छा करता है और नमकीन खाने की भी उसे बहुत ही इच्छा होती है। यदि आग पर भुना हुआ मांस उसे दे दिया जाए तो कहना ही क्या है, उसे भी वह खाने की बहुत ही इच्छा करता है। अत्यधिक भूख के साथ प्यास, पेट में जोर का अफरा जो खटी डकार आने के बाद कुछ समय के लिए कम हो जाता है, तो वैसे स्थिति में कैल्केरिया फासोपैथिक मेडिसिन व लेकर के बिल्कुल ही ठीक हो सकते हैं। तो क्या रेकाइटिस यानी कि सुखंडी में भी यह कैल्केरिया फास काम करता है? जी हाँ। बच्चों का हड्डी का विकास नहीं होना, हड्डी का और टांगों का बिल्कुल ही टेढ़ा पड़ जाना, यह बीमारी होने के पहले बच्चे को सर्दी जरा सा भी बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़ा सा भी सर्दी पड़ने पर चाहे कोई भी मौसम हो शरीर में जगह जगह दर्द होने लगता है और अकड़न होने लगती है, ऐंठन होने लगता है। ऐसा लक्षण बड़ा योनिया में भी है लेकिन रिकेट के समय के लक्षण में उसके प्रयोग से फायदा नहीं होता। कैल्केरिया फास के रोगी में अपने सर को संभालने का भी ताकत नहीं रह जाता है। तो वैसे स्थिति में कैल्केरिया फास के साथ एब्रोटेनम का भी प्रयोग कराया जाए तो बहुत ही अत्यधिक लाभ होता है। शरीर के किसी स्थान की हड्डी टूट जाए और जल्दी ना जुड़े तो कैल्केरिया फास 3x, 6x या 12x के साथ ही सिम्फाइटम 3x या मदर टिक्चर का प्रयोग कराया जाए तो जो हड्डी है बहुत जल्दी ही जुड़ जाता है। हर बार मौसम बदलने के साथ ही शरीर में तेज दर्द होता है और जो दर्द है यह ऐंठन के साथ एक अंग से दूसरे अंगों में चला जाता है, साथ ही कमर के नीचे की हड्डी में ज्यादा तेज दर्द होता है तो भी हम कैल्केरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन वैसे रोगी को खिला करके बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। तो क्या है स्त्री रोग में भी यह फायदेमंद है? जी हाँ। स्त्री रोग समय से बहुत पहले ऋतुस्राव होना, लड़कियों में जल्दी ऋतुस्राव होने लगता है, यहाँ तक कि 15 दिन पर ही हो जाना, लेकिन जवान महिलाओं में देरी से स्राव होना, साथ में कमर में तेज दर्द होना और अंडे की सफेदी के जैसा ल्यूकोरिया प्रदर का स्राव होना,
यह कैल्केरिया फास का ही सिम्टम है। तो वैसे रोगिणी कैल्केरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के बिल्कुल ही ठीक हो सकती है। मुहासे के बारे में देख लेते हैं कि जो चेहरे पर बार बार पिंपल निकल आता है, तो क्या उसमें भी यह कैल्केरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन काम करता है? लड़कियों का जवानी शुरू होने के समय होने वाले मुहासों में छोटे छोटे जो फुंसिया है वो पूरे चेहरे पर निकल आता है, खास करके जब खून की कमी होता है तब ऐसा देखा जाता है। लड़कियों के मुहासे और साथ में सर दर्द की शिकायत रहता है और साथ ही पाचन शक्ति बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है और जो पेट है बिल्कुल ही फूला फूला हुआ महसूस होता है। तो वैसे स्थिति में हम लोग कैल्केरिया फास होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कराएं तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, यह रहा कैल्केरिया फास के मुख्य सिम्टम और साथ ही कैसे रोगी को यह मेडिसिन प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन सा रोग में यदि प्रयोग किया जाए तो वह रोगी बिल्कुल ही ठीक हो सकता है। मैं इसके बारे में आप सभी को अच्छे से बता पाया हूँ, या कोई कमी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, या किसी को इस बीमारी से दिक्कत है तो भी हमें कमेंट के माध्यम से कोई सवाल अपना पूछ सकते हो। तो दोस्तों, यह स्वास्थ्य भरी वीडियो मेरा कैसा लगा हमें जरूर बताना। और रहा बात डोज की, तो यह रोगी देखने के बाद ही तय किया जाता है कि कितनी मात्रा में उसको डोज लेना है। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। हाँ, एक बात कहना भूल गया कि दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टच करें, क्योंकि ऐसे स्वास्थ्य भरी वीडियो मैं प्रतिदिन ही लेकर के आता रहता हूँ। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर ऐसे वीडियो से आप छूट जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।